अज बीजेपी के कौमी प्रधान जे पी नड्डा हिमाचल प्रदेश जाएंगे, हड़ प्रभावित इलाकों का जायजा जे पी नड्डा के वलों लिया जाएगा। गौरतलब है कि जेकर बीते दिन की गल की जाए तो बीते दिन ही पीएम मोदी ने हिमाचल के हालातों लैके मीटिंग जो है वो की हूँ तक हिमाचल प्रदेश के 78 लोगों की मौत हो चुकी है। जो हालात हिमाचल के पैदा हुए उस हूँ तक की गल की जाए तो 78 लोग अपनी जान गुआ चुके हैं। गौरतलब है कि हालात हिमाचल के बेहद नाजुक बने हुए हैं, इसके लिए उसनू आपदा सूबा भी घोषित कर दिया गया है। केंद्र के वलों भी मदद वित्तीय सहायता मंगी जा रही है हिमाचल के सीएम के वलों। गौरतलब है कि हिमाचल को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके उत्थे लैंडस्लाइडिंग्स हो रही ने, लोगों के घर तबाह हो चुके ने, जानी नुकसान इन्ने वड्डे पद्धर से हो रहा। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी हिमाचल के चलाया जा रहा है, पर हाले भी अलर्ट जारी किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ दिनों तो मीह ने उत्थे तबाही मचाई हुई है, मीह कारण जमीन खिसकन दी घटनावां दे विच लगातार वाधा है। तो नाल ही जिक्र पिछले हफ्ते की गल कर लईए तो आम दे नालों 81% वध मीह हिमाचल प्रदेश के पिया है, तो इस करके खास तौर पर शिमला मंडी कांगड़ा अजिहे जिलों के तबाही का मंजर देखने को मिलिया। साढ़े नाल हिमाचल तो साढ़े सहयोगी समीक्षा लाइव जुड़ चुके ने। जी समीक्षा, कहो जो हालात इस वक्त ने हिमाचल दे? देखिए फिलहाल हालात जो है हिमाचल प्रदेश के अब धीरे धीरे सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत में मॉनसून में ये देखा गया कि 3 दिन तक लगातार बारिशें हुई और सबसे ज्यादा जो नुकसान देखने को मिला वो मनाली मंडी और कुल्लू में जो है वो ये देखने को मिला, जिसके बाद से अभी की अगर बात करें तो ये 3 दिन के लिए जो हिमाचल शिमला में बारिश हुई, शिमला और अधिकतर क्षेत्र जो है वो सोलन और पांवटा साहिब का प्रभावित होता हुआ नजर आया था। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून ने कहर बरपाया है और फिलहाल की अगर बात करें तो संपत्ति का खासा नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है और गृहमंत्री से आज मुलाकात कर सकते हैं, बीते दिन भी मुलाकात की, राज्य आपदा हिमाचल में घोषित कर दिया गया है। तो लगातार ये उम्मीद अब जताई जा रही है कि जल्द हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम राशि जो है राहत राशि दी जाए, ताकि जितने लोग बेघर हो गए हैं या फिर कई तरह के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी बात ये भी सामने आती है कि प्रदेश सरकार के पास पहले ही कर्ज से जो है वो जूझ रहा था हिमाचल प्रदेश के पास, अब धन जो है वो धन की कमी जो है वो होती हुई नजर आ रही है और अब निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई है कि केंद्र सरकार अंतरिम राहत राशि दे ताकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी अटके कार्य हैं उन्हें पूरा किया जा सके। देखिये हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो त्रासदी है वो लगभग पिछले 50 वर्षों के बाद ऐसी देखने को मिली है और फिलहाल की अगर बात करें तो 335 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस दौरान और कई लोग 37 लोग अभी लापता हैं। और इसी तरह का जो सिलसिला है देखिए वो पिछले कई दिनों में देखने को मिला है और इस तरह की जो त्रासदी है वो लगभग 50 से 100 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश में आई है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो अभी की अगर बात करें फिलहाल, हालांकि अगर 4 से 5 दिन तक देखें तो मौसम जो है वो सामान्य रहा है, लेकिन फिर भी लगभग 800 के करीब जो है वो सड़कें प्रदेश की बंद है, कई DTR बिजली ट्रांसफार्मर्स जो है वो बंद पड़े हुए हैं, पेयजल परियोजनाएं कई बाधित हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। वहीं शिमला शहर की अगर बात करें तो अभी तक कनेक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाई है अन्य राज्यों से भी, क्योंकि अभी तक शहर की जो बसें हैं वो ही नहीं चल पाई हैं। अलग अलग स्थान पर जिस तरह से लैंडस्लाइड हुए हैं कहीं ना कहीं पूरे शहर को इस बारिश ने पूरे पानी में डुबा दिया है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं जी, सड़कें बंद हो रही हैं, लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं, तो यही सिलसिला फिलहाल चल रहा है। जी समीक्षा, प्रशासन ने लोगों को इस वक्त क्या कुछ एहतियात रखने के लिए बोला है?